गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। तो भाई आज है डे टू हमारा मनाली में। कल रात को बहुत लेट सोए थे हम 12:30 के आसपास, और अभी मैं जस्ट सो के उठा था, मनीष ने उठा दिया था कि 9 बज के चल उठ जा। पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, सुबह सुबह कैसा लगता है बाहर खिड़की देखने में। तो भाई यहाँ का एक बार व्यू देख लो, सुबह उठते कैसा दिखता है खिड़की से। उस साइड तो फोक फोक सा भी लग रहा है, दिख नहीं रहा उस साइड, तो पहाड़ ही पहाड़ है भाई। तो अभी थोड़ी देर थोड़ा मतलब नहा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत ही चाय बना रहे हैं, मैगी वगैरह खा के फिर चलते हैं ऐसे सीधा सोलांग वैली चलेंगे शायद, और अटल टनल भाई रुक जा। तो भाई नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ, ये सब भी करके नहा रहे हैं मनीष, नहा रहे हैं बोला है मनीष। मनीष तब तक ये ऑमलेट बना रहा है, चाय बन चुकी है, और राइटर साहब अपनी एडिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो फिर से कंबल में घुस गया है। कितनी देर में निकलेंगे हम? 11 बजे पहले तुम्हारा सिंगार होगा, जब तो निकलेंगे। मैं तो तैयार हो गया भाई, सब पहले ये इन सबको रेडी होना, मैं तो हो गया रेडी। क्या खाते हैं? 1 मिनट चाहिए मैंने खाली। हाँ खाते हैं अपना, बनेगा जब ना, भी तो बना भी नहीं है ना। बन गया भाई। तो कोई टाइम कितना रहा? अभी टाइम कितना रहा चित रमन? 9 बज रहे हैं 11 तक निकल लेंगे। 9:30 अबे फिर उसने तो कही थी 12 बजे बंद हो जाती है, 2 बजे चल फिर ठीक है निकल लेंगे भाई फिर तो आराम से। तो भाई अभी हम निकल लिए हैं, मतलब ये वाला होटल हमने चेकआउट कर दिया है, यहाँ सामान वगैरह गाड़ी में डाल दिया है, चेतन ने सामान रख दिया है। मैं दिखा देता हूँ गाड़ी वैसे कितनी गंदी हो रही है। टेम्परेचर भाई अभी भी शायद -1-2 ही चल रहा है सुबह के टाइम पे। सामान हमने इसमें रख दिया है और रेडी हो गया सारे, मैं फोटो पहने, ये जब फोटो वगैरह जाऊँ तब निकालना, वही पहन रखा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देख लो बर्फ़ जम रखी है इस टाइम भी, अभी स्नोफॉल तो हुई नहीं, बट स्नोफॉल देखनी थी, फिलहाल स्नोफॉल हुई है नहीं यहाँ पे। कह रहे हैं शायद कल हो जाएगी या फिर आज रात को हो जाएगी, तो वेट कर रहे हैं कल हो जाए तो भाई देखनी है, स्नोफॉल कभी देखी नहीं है तो भाई स्नोफॉल देख के ही जाएंगे। अगर कल भी नहीं हुई तो भाई परसों तक निकल ही जाएंगे, यहाँ पर फ़ायदा नहीं कि स्नोफॉल देखेंगे वो दिखेगी नहीं। तो भाई फूल बर्फ हो रही है, फूल यहाँ गाड़ी चल रहा है, फूल आवाज कर दे रे। तो भाई यहाँ होगी अपनी ऑल सेट, ये लग गया नंबर प्लेट, पीछे अपने फॉर्च्यून वाले भाई मिल गए हैं, फूल बातचीत चल रही है बढ़िया उनसे भी। फिलहाल चलते हैं, अब बना ले रील कैडी कैडी, देख ले सामने देख ले पहले। जितन गाने चला ले भाई, पहाड़ी पहाड़ भाई। अभी फुल मौज मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे, ये मनीष बैठा है ये, और चेतन गाड़ी चला रहा है, रमन आ गया अपना टाइम पास वगैरह बना रहा है। मैं अटल टनल दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है भाई। अटल टनल पार कर ली है, यहाँ नज़ारा देख लो, दोनों गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी हो चुकी हैं, और ये नीचे एक नदी सी है, और कहीं पे रुक रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा उक्का उक्का चला रहे हैं, थोड़ा अपना मतलब सिस्टम बिठा रहे हैं खाने पीने का। अपनी गाड़ी में गाने चल रहे हैं, फॉर्चुनर वहाँ पीछे खड़ी है, सब भाई नाच गा रहे हैं, नज़ारे एक नंबर आ रहे हैं सब। मतलब मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर आया हूँ तो भाई इतने ज़्यादा मज़ा आ रहे हैं। मतलब अभी हमारी ना गाड़ी स्लिप कर गई थी, मैं वो क्लिप डाल दूँगा, यहीं पर स्लिप कर गई थी, बट आपको मार गई स्लिप, आगे वाली कैसे मार जाएगी, जब रियल व्हील ड्राइव है तो। अब ले जोर के ले, जोर के ले ले ले। बस दिक्कत नहीं है, अगर ये कहीं फंसती भी है तो अपने पास एक 4x4 फॉर्चूनर है उसको बचाने के लिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अभी हम फिलहाल वहां से ना नीचे नदी के पास आ गए थे, रमन यार मेरे पीछे है, सामने शिब्बू चल रहा है, और ये नदी भाई स्लो, तो इस नदी का भयंकर लग रहा है देखने दूर से, फुल तेज आ रही है भाई नदी। तो मैं आपको पास से दिखाऊं जाके, हाँ ना देख भाई शिब्बू मस्त ना लग रही भाई, कतई कतई कैडी लग रही है भाई देखने में तो। नदी के पास पहुंच गए, थोड़ी मुश्किल हुई नीचे आने में। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना भाई तो जूते ऐसे लाना जिनकी ग्रिप भयंकर हो,
कोई रैंडम ग्रिप जूते मत ला रहा उनकी ग्रिप बता रहा हूँ कि भाई बहुत नाश हो जाएगा आपका, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे भी हाथ मुंह सब सुन हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। बट ये नज़ारा देखो भाई, मतलब क्या ही है। मैं थोड़ा और पास जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा क्योंकि बस ये बर्फ़ अंदर तो नहीं जा रही ना, मैं अंदर इतनी नहीं जा रही, चलते हैं पास। अभी यहाँ पे क्या हुआ, दो फॉर्चुनर आ गई, दो स्कॉर्पियो हो गई, तो यहाँ सारे भाईचारे नाच गा रहे हैं, तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब, बढ़िया एकदम, सब निकल रहे हैं हम, बहुत एंजॉय हो गया। कम से कम एक घंटे से भी ज्यादा हम यहाँ रुक गए हैं, एक घंटा हो गया। बट आज चीज दिखाता हूँ, ये देखो भाई गाड़ी के नीचे बर्फ जम रखी है, लटक रही है पूरी। यहाँ टेम्परेचर इतना है, यहाँ शायद मेरे हिसाब से टेम्परेचर होगा, जिधर ठंड हो रही है मेरे को ना खाद कुछ महसूस हो नहीं रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर होगा शायद -8, 9 या 10 होगा आराम से। और आज की शाम की स्नोफॉल भी बता रखी है, पूरे बर्फ बर्फ के दुनिया भर की हमने वीडियो बनाई है, जो शायद मैं अपने इंस्टाग्राम पे गिरूंगा, तो भाई वहाँ जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो सारे। भाई टेम्परेचर हो रहा है -8 degrees, और इस टेम्परेचर में कोक पीने का अलग ही स्वाद आ रहा है। अभी हम किलोंग आ गए थे, यहाँ तो इतनी बर्फ नहीं है ना, इतना टेम्परेचर भी नहीं है वहाँ से, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर था। फिलहाल हम पेट्रोल भरवा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ पेट्रोल कम था, और फिर वापस जाना है, पेट्रोल मिले ना मिले, क्योंकि ये पीछे एक पंप निकला था वो बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक बार अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करा ले, हाँ भाई पेट्रोल है, उसके बाद चलते हैं। वो ब्लॉगर साहब हमारे वहाँ चले गए कुछ दिखाने के लिए, तो मैं आपको पहले खाई वगैरह देख लूँ भाई, मतलब खाई कह रहा हूँ पहाड़ वगैरह। कहाँ आ रहा है दिखाने, रोड तो भाई एक नंबर है, ऐसे बेफालतू में कहते हैं पहाड़ के रास्ते बेकार हैं, ये है वो है, रोड तो एक नंबर है, है रमन? लोग कहते हैं पहाड़ के रास्ते बेकार है, इतने मस्त नहीं है अपने नवगढ़ से, अच्छे रास्ते नहीं है आगे नवगढ़ से, बढ़िया रास्ते हैं भाई। वो देखो भाई सामने कैसा ही लग रहा है देखने में। अभी हम खाने पीने के लिए रुके हुए, ठंड भयंकर लग रही है बहुत ही ज़्यादा। स्कॉर्पियो खड़ी, फॉर्चुनर बोरी, ये किसी के घर की छत है वैसे ये, बट हमने गाड़ी खड़ी करी नहीं है, किसी के घर की छत है। यहाँ पे खाना पीना, मैगी वगैरह बनाता है क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से ऑमलेट ही खा रखा है, कुछ खाया नहीं था तो भूख लग रही है भयंकर वाली, अभी खाते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं। अभी हम आगे गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पुलिस वाले थे वो शायद, चेतन कौन सी जगह थी पुलिस वाले मिले थे? किलोंग ना, वो किलोंग जगह थी, वहाँ से मैं आगे जाने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आगे बर्फ़ पड़ जाएगा, अगर बर्फ़ पड़ गई तो भाई 4-5 दिन के लिए हम फंस जाएंगे वहीं पे, तो हम आगे गए नहीं वहाँ पे, हम वापस आ गए वहाँ से, और यहाँ पे मैगी बना के अब सीधा हम वापस कौन सी थी वो मनाली साइड जा रहे हैं वापस। भाई मैगी खा रहे हैं, सबको मैगी मिल गई है और एकदम स्वाद है। बनाई किसने थी ये? शिब्बू। अरे शिब्बू को घोरिया करते ही चेतन याद रह रहा है कि शिब्बू भी सीख रहा है भाई, चाय आ गई है। फॉर्च्यूनर वाले भाई ने हमारे लिए चाय अरेंज करके रखी थी पहले ही, ठंड हो रही है भयंकर, बाहर जाके चाय पीने का बिल्कुल मन है नहीं, उनसे थोड़ी बहुत फोटो वीडियो ले रहे हैं अपनी, उसके बाद शीशु में हमने रूम बुक किया है वो उसी में स्टे करेंगे आज। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर है -9 degrees टाइम पे। अभी हम मनाली जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे रूम मिल रहा था 5,000 में, 5,000 हमें बहुत ज़्यादा लगे, और सेकंड टीम वहाँ कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन बर्फ़ पड़ने वाली है, और अगर बर्फ़ पड़ गई तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे 3-4 दिन तक, जो हमको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक बार हम रूम तो ले भी लें बट इस चीज़ में 3-4 दिन में वो प्राइस नहीं झेल पाएंगे, यहाँ खाना बहुत महंगा, और वहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ और महंगा कर देंगे उसी खाने को, क्योंकि उन्हें पता हम कहीं जा सकते हैं नहीं, तो उसको और महंगा कर देंगे, तो हम वहाँ तो गए नहीं, हम मनाली जा रहे हैं, वहाँ पे रूम बुक किया एक, ये लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं, पाइप में आए थे हम, ये होटल देख रहे थे हमें, यहाँ पे ये मिला लियो भाई, वाइट कलर का प्यारा है, 18 तारीख है ना, आज मेरे कुत्ते का बर्थडे भी है घर पे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे लियो प्यारा कितना है हेलो करते हेलो तो भाई, ये हमारा दूसरा रूम है, मतलब दूसरा होटल जहाँ हमने स्टे किया है, ये मेन एंट्री गेट है, क्या लाया तू आज अंदर, ये एंट्री गेट है,
यहाँ इसका एक कमरा है, कमरे तो भाई ये उससे तो अच्छा है वाला, बहुत अच्छा है इवन। मैं कैसे केजरीवाल बना फिर रहा हूँ अगर दिख जाऊँ तो, ठंड बहुत है क्योंकि भाई। ये बाथरूम होगा, बेड बाहर, ये विंडो, और एक ये मिल जाएंगे यहाँ सो सकते हैं, यहाँ फ्रिज वगैरह टीवी लग रखा है, ये लग रखा है, और यहाँ बाहर से नज़ारे जिसमें आपको बर्फ़ वगैरह दिख जाएगी। तो ओवरऑल भाई उससे तो बहुत अच्छा है वाला। तो भाई आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय आप सबको।